सपोज आपको दो शीट्स देगा, वो डायग्राम बना के देगा, दो शीट्स हैं और दोनों पे इक्वल चार्ज है लेकिन ऑपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो एरिया भी बराबर है, तो यानी कि सिग्मा भी बराबर है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। बस फर्क ये है कि एक प्लस सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। दोनों की दोनों थिन शीट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन वो पूछेगा कि तीन रीजन है, रीजन नंबर 1, 2, 3, बताओ रीजन नंबर 1 में ई की वैल्यू क्या होगी दोनों शीट्स की वजह से। तो जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस 1 रख दिया, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो इस शीट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन तो लगाना नहीं है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो नेट ये ई और ये ई कैंसल, नेट ई जीरो। अगर वो कहेगा इस रीजन में ई निकालो, तो आप यहां पे प्लस 1 रख देना, तो ये नेगेटिव इस प्लस 1 को अट्रैक्ट करेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव इस प्लस 1 को रिपेल करेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो दोनों वेक्टर ऑपोजिट है, दे विल कैंसल ईच अदर। ये भी क्लियर है, नेट ई क्या आएगा इसमें भी जीरो। लेकिन अगर वो यहां पे कहेगा कि ई निकालो, तो आप प्लस 1 यहां रखेंगे, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस प्लस 1 को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस इस प्लस 1 को रिपेल करेगा, ये माइनस प्लस 1 को अट्रैक्ट करेगा, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड करके आंसर। ठीक, तो हर केस डिफरेंट है, पता नहीं वो क्या देगा, क्या पता दोनों शीट्स पॉजिटिव दे दे, क्या पता दोनों शीट्स नेगेटिव दे दे, क्या पता एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दे। रूल वही रहेगा, आप प्लस 1 रख रख के देखेंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन के वेक्टर कैसे बनेंगे और नेट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक केस है, तो यानी कि आपके पास अगर दो शीट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के साथ, तो इनके लेफ्ट और राइट रीजन में तो ई पक्का ही क्या होगा? जीरो। और बीच में ई कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, एक चैप्टर आएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो शीट्स लेते हैं प्लस एंड माइनस, और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको प्लीज रिमेंबर करना है और फॉर्मूले की लिस्ट में लगा लेना है। उसी तरीके से ये भी देख लें, एक मिनट, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि दो शीट्स हैं, दोनों पॉजिटिव है, एरिया भी बराबर, चार्ज भी बराबर, तो सिग्मा दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो अगर कोई कहे कि यहां पे ई निकालो, तो प्लस 1 रख के देख लो, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई का कंट्रीब्यूशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव भी प्लस 1 को रिपेल करेगा, तो ई का कंट्रीब्यूशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल ऐड करेंगे, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर कोई पॉइंट बीच में है, तो ये प्लस इस प्लस 1 को रिपेल करेगा और ये प्लस इस प्लस 1 को रिपेल करेगा, तो दोनों ई आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो नेट ई क्या आएगा? जीरो। और अगर रीजन नंबर 3 है, प्लस 1 रखो, ये प्लस प्लस 1 को रिपेल करेगा, ये प्लस प्लस 1 को रिपेल करेगा, दोनों वेक्टर्स ऐड होके आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।